दोस्तों नमस्कार, आज हम नास्त्रेदमस और जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ। दोस्तों पड़ताल के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों को शामिल करेंगे। वैसे तो हजारों प्रसिद्ध हस्तियां हैं, लेकिन हम उस नामचीन हस्तियों की बात करेंगे जिनके फॉलोअर्स ये भविष्यवाणी अपने नेता व संतों पर सटीक बैठाने की कोशिश करते हैं। पहले हम जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी की पड़ताल करेंगे। दोस्तों इनकी भविष्यवाणी की पड़ताल के लिए हम कुछ प्रसिद्ध नेता व संतों को लेते हैं। रामदेव जी, जक्की वासुदेव जी, राम रहीम जी, जाकिर नाइक जी, रवि शंकर जी, आसाराम जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी व संत रामपाल जी। दोस्तों जय गुरुदेव जी अपनी भविष्यवाणी में कहते हैं कि वो महापुरुष जो विश्व का कल्याण करेगा, वो महापुरुष जो विश्व में शांति लाएगा, वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लाएगा, वो महापुरुष या अवतार आज 20 वर्ष का हो चुका है। दोस्तों ये भविष्यवाणी 7 सितंबर 1971 को की गई थी। ये लेख जय गुरुदेव की पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 में पेज नंबर 50 पर लिखा हुआ है। जो भी श्रद्धालु जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए हैं, वो शाकाहारी पत्रिका को भली भांति से जानते हैं। तो आइए पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कौन है वो महापुरुष जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के हुए थे। सबसे पहले रामदेव जी को लेते हैं। दोस्तों रामदेव जी का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। वो 8 सितंबर 1971 को 5 वर्ष और 8 महीने के हुए थे। इसलिए तुलसीदास जी के अनुसार ये वो महापुरुष नहीं हो सकते जो विश्व के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। ये हमारी पड़ताल में फेल हुए। दूसरे नंबर पर हमने लिया है राम रहीम सिंह को। इनके फॉलोअर्स इन्हें अवतार मानते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ है। ये 1971 को 4 वर्ष के थे। राम रहीम सिंह भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं जक्की वासुदेव सिंह को। जक्की वासुदेव उर्फ सतगुरु जी का जन्म 1957 को हुआ था। ये 1971 में 14 वर्ष के हुए थे। ये भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। चौथे नंबर पर हम लेते हैं श्री श्री रवि शंकर जी को। रवि शंकर जी का जन्म 13 मई 1956 को हुआ था। ये 1971 को 15 वर्ष के हुए थे। ये भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। पांचवें नंबर पर हम लेते हैं आसाराम सिंह को। आसाराम सिंह का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। 1971 में आसाराम सिंह 30 वर्ष के हुए थे। ये भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। दोस्तों छठे नंबर पर हम लेते हैं राहुल गांधी जी को। इनके फॉलोअर्स भी ये कहते हैं कि ये वही महापुरुष हैं जो विश्व में बदलाव लाएंगे। नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म भी 1970 को हुआ था। ये तो मात्र 1 वर्ष के थे। ये भी हमारी पड़ताल में फिट नहीं बैठते। सातवें नंबर पर हम लेते हैं केजरीवाल जी को। कुछ लोग इन्हें भी महापुरुष की नजर से देख रहे हैं। देखते हैं ये हमारी पड़ताल में फिट बैठते हैं या नहीं। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। ये भी 1971 को 3 वर्ष के हुए थे। पड़ताल में फेल। आठवें नंबर पर हम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके बारे में उनके समर्थकों का कहना है कि ये वही तारणहार हैं जिनका जिक्र जय गुरुदेव जी ने किया है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। नरेंद्र मोदी जी 1971 को 21 वर्ष के हुए थे। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भी हमारी पड़ताल में बिल्कुल फेल हुए। नौवें नंबर पर अब बारी आती है जाकिर नाइक जी की। जाकिर नाइक जी, इनके फॉलोअर्स और यूं कहें कि बहुत सी मुस्लिम आबादी जाकिर नाइक जी को वो व्यक्ति मानते हैं जो विश्व में बदलाव लाएगा। चलिए इनकी भी पड़ताल जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी से करते हैं। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1965 को हुआ है। ये 1971 में 6 वर्ष के थे। ये भी हमारी पड़ताल में फेल हुए। दोस्तों हमने काफी लोगों और हस्तियों की रिसर्च और पड़ताल की, सो इस वीडियो में उन सबको डिफाइन करना आसान नहीं है। वो सभी हमारी पड़ताल में फेल हुए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के हुए थे, क्या आप उनका नाम नहीं जानना चाहोगे? जी हाँ, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। इनका जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में हुआ था।
तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव जी के अनुसार यही वो महापुरुष हैं जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के हुए थे। हमारी सारी टीम इस पड़ताल पर बड़े आश्चर्य में थी। इतना जबरदस्त और सटीक फैक्ट किसी और पर लागू नहीं होता। आपको एक बार फिर याद दिला दें, तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी में कहा है कि जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वो अवतार 20 वर्ष का हो चुका है। अगर उसका पता बता दूं, सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अभी उसका पता बताने का आदेश ऊपर से नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। ये भविष्यवाणी से गुरुदेव जी ने शाकाहारी पत्रिका में 7 सितंबर 1971 को की गई थी, जो कि से गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 पुस्तक में पेज नंबर 50 पर लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, तुलसीदास साहिब जी मथुरा वाले जय गुरुदेव के प्रवर्तक, उन्होंने भी ये बात आपके समक्ष रूबरू करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होगी आपको दृढ़ता लाने के लिए, आपको भगवान और इस दास को पहचानने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे, लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र गुरु साधना कर कर ऐसे पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान के वहाँ फंस गए, इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला, और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी दास के लिए, 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर, ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने बीच है या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहाँ से प्रिंटेड है, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा, जी कौन है, कहाँ है, हैं बताओ। तो फिर उन्हें आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पर लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पर लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली, इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ।
सात को दस पूरा 20 वर्ष का हो गया और आठ को 21 माह शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। सभी प्रसिद्ध लोगों की पड़ताल के बाद ये साबित हुआ कि वो महापुरुष जो विश्व का कल्याण करेगा, वो महापुरुष जिसके ज्ञान से विश्व में शांति आएगी, वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लाएगा, उस अवतार का नाम है संत रामपाल जी महाराज। नास्त्रेदमस जी ने भी संत रामपाल जी के बारे में बड़ी सटीक भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई कार्ड बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।